एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हिस्ट्री का ये सेकेंड या शेष आखिरी बार होगा। तो इससे पहले हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड जनरेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये था डेवलपमेंट ऑफ आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स। तो इसका युग है 1964 टू 1971। पहले जो आप सर्क्यूट बोर्ड पे बनाते थे, अब इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स यानी आईसीज पे आने लगे। उसे सिलिकॉन मटेरियल से बनाया जाता था, इसलिए उनका नाम सिलिकॉन बेस्ड चिप्स भी कहा जाता है। तो इसका फायदा ये है, अगर आप समझ लीजिए, अगर आपको एक रूम लगता था वैक्यूम ट्यूब्स का एक सर्क्यूट बनाने के लिए, आप उसी सर्क्यूट को ट्रांजिस्टर के द्वारा एक इंच एरिया में आप फिट कर सकते थे। तो इसे फैब्रिकेशन कहते हैं और बहुत ही टाइटली पैक किया जाता है इन ट्रांजिस्टर्स को। तो इसका फायदा क्या होगा, कम कंजम्पशन ऑफ पावर, क्योंकि नज़दीक है, कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ेगा, रिलायबल ज़्यादा होंगे, सस्ता ज़्यादा होंगे, फास्टर चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बहुत ही गेन होने लगे कंप्यूटर के स्पीड में, कंप्यूटर रिलायबल होने लगे, फास्टर होने लगे, सिंपलर होने लगे, लेस हीट, लेस मेंटेनेंस, ठीक है। और इसका हमारे लिए महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये रहा, डेवलपमेंट ऑफ कीबोर्ड और मॉनिटर। कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते थे और शुरू हो गया तब समय, और मॉनिटर के द्वारा हम कंप्यूटर का आउटपुट जो है वो डिस्प्ले देख सकते थे। पहले जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बड़ा सिंपल था, एक ही काम एक समय पे कर सकता था। इस जनरेशन में क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी स्मार्ट होने लगे, एक काम से ज़्यादा करने की कैपेबिलिटी रखते थे। क्योंकि कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया, इसी कारण पंच कार्ड और पेपर टेप्स या के काम खत्म हो गया। तो जैसे मैंने पहले बताया था, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, लगभग जो कॉन्सेप्ट्स हैं सभी इस युग के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इस युग के एक मशीन है IBM 360, उसी से उसके बारे में हम काफ़ी स्टडी कर चुके थे और उसको कंपाइलर यानी असेंबलर कैसा लिखना हम सीख रहे थे जब हम स्टूडेंट्स थे। तो मॉडर्न OS था, एक समय मल्टीपल काम कर सकता था, मल्टीपल यूजर सपोर्ट कर सकता था और मल्टीपल काम एक समय एग्जीक्यूट कर सकता था। जैसे पहले बताया, मशीन छोटे होने लगे, सस्ते होने लगे, ठीक है। और पहले जो सिर्फ थोड़े ही कंपनियां खरीद पाते थे, अब बहुत सारे कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन उन्हें खरीदने शुरू कर दिए, जैसे बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल एक है, ये है IBM 360S मशीन। तो अगर आप इस मशीन को देखोगे, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप यहाँ देख सकते हो। तो ये था एक पिक्चर IBM 360S का मशीन का पिक्चर, ठीक है। इस सिस्टम को हमने इंजीनियरिंग टाइम में स्टडी किया था, जैसे मैंने आपको पहला बताया था। अब अगला डिकेड स्टार्ट होगा 1972 टू 1988-89 कह सकते हैं। तो इस युग में क्या हुआ, इसको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यानी रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, इंटेल का 4004 प्रोसेसर आना। ये प्रोसेसर इतना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इस प्रोसेसर पे पूरे कंट्रोल यूनिट यानी कंप्लीट सीपीयू भी था, उसके अंदर रैम भी था, उसके अंदर इनपुट आउटपुट यूनिट्स भी थे, ठीक है। और पूरे एक ही चिप पे आप कह सकते थे कंप्यूटर ऑन चिप की फंडा आ गई। इंटेल 4004 से फ़ायदा ये हो गया, जो पहले कंप्यूटर एक रूम में फिट होता था, अब कंप्यूटर यानी मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर केवल एक पाम में फिट होने का कैपेबिलिटी आ गया। इस युग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये रहा, मशीन्स जो अब तक कंपनियां में यूज़ होने लगे, अब उन्हें पर्सनल यूज़ या होम यूज़ के लिए रिलीज होने लगे। जैसे 1981 में IBM PC डेवलप किया गया था और ये पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है, जो पब्लिक या होम यूज़ के लिए लिया जाता है। इसी से माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस मशीन के लिए MS-DOS करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किया था। उसके बाद 1984 में एप्पल मैकिंटोश रिलीज हो गया। तो ये दोनों मशीन्स होम यूज के लिए अवेलेबल होने लगे। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से होने लगे, जैसे IC टेक्नोलॉजी, और इसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं 404 को, ये सारे चीज हर लाइफ के हर भाग में हिस्सा लेने लगे।
इसका कारण ये था कि एक टेक्नोलॉजी का नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब जो एक रूम में सर्किट फिट होता था, अभी समझ लीजिए एक इंच पे वो सर्किट फिट हो सकता था, तो इसे कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स इसे पढ़ेंगे आगे एक सब्जेक्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट लेसन इस युग में, कंप्यूटर्स बहुत ही फास्ट हो गए, काफ़ी सस्ता हो गए उन दिनों के उन पिछले कंप्यूटर देख के, पब्लिक अपना अपनाने लगे कंप्यूटर को, और ज़्यादातर ज़्यादा एप्लीकेशंस में कंप्यूटर इन्वॉल्व होने लगा। तो इन मशीन्स के द्वारा, इन पावरफुल मशीन्स के द्वारा, ठीक है, रिसर्च चलने लगा एजुकेशन में, और इंटरनेट का इनिशियल स्टेजेस भी इन मशीन पे ही वर्क हुआ है। और आगे इन मशीन्स के पावर यूज़ करने के लिए, पहले इंटरफेस ग्राफिकल नहीं था, माउस यूज़ करके क्लिक नहीं कर सकते थे, आपको कीबोर्ड और पर टाइप करना पड़ता था, क्योंकि प्रोसेसर्स इतने फास्ट आने लगे, इतने केपेबल आने लगे। विंडोज़ 3.1, विंडोज स्टार्ट रिलीज हो गई, GUI मतलब आप कंप्यूटर से ग्राफिकली बात कर सकते थे, मतलब यूजिंग माउस सिर्फ कीबोर्ड से नहीं, आपको कमांड टाइप करना नहीं पड़ता था, आप पॉइंट एंड क्लिक भी कर सकते थे। लैपटॉप्स जस्ट स्टार्ट हो गए, पाम टॉप्स यानी छोटे कंप्यूटर जो आप आजकल टैबलेट वर्क कहते हैं, उस टाइप के मशीन भी शुरुआत होने लगे। लेकिन हमारे एंगल से इस युग का सबसे इंपॉर्टेंट मशीन था PDP-11। PDP-11 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के कारण सी का काम शुरू हो गया। इस कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स था, यूनिक्स लिखने के लिए इन्होंने सी का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, और सी और PDP-11 का मशीन करीबी रिश्ता है, और सी में आजकल जो फीचर्स है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है इस मशीन PDP-11 मशीन का। तो अब आप देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन टू फोर्थ जनरेशन मशीन कितना छोटा हो गया। तब मशीन था रूम या हंड्रेड्स ऑफ फीट बड़ा, अब छोटा समझ लीजिए एक 5 feet by 10 feet या उससे भी कम होगा। तो ये था PDP-11 मशीन। अब लास्ट स्टेज में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो हम इस युग में आप है हम है, और इसके कैपेबिलिटीज क्या है, इसका डिटेल्स क्या है। तो फिफ्थ जनरेशन में फोकस क्या है, फिफ्थ जनरेशन में फोकस है इंसान जो काम कर सकते हैं उसे मशीनों से करवाना। दूसरी चीज़ है पैरेलल कंप्यूटिंग, मतलब समझ लीजिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 200x200, अगर आप वन एलिमेंट एट अ टाइम ऐड करते जाओगे तो समझ लीजिए 3 मिनट लगेगा, अगर आप उसे पैरेलली हर एलिमेंट को उतने 10 प्रोसेसर से पैरेलली ऐड करने की कोशिश करोगे तो समझ लीजिए 2 सेकंड में वो प्रोग्राम खत्म हो सकता है। पैरेलली मतलब जिस प्रोग्राम को आप वन स्टेप आफ्टर अदर एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उस प्रोग्राम को तोड़ के आप पैरेलली उन विभागों को एग्जीक्यूट किए जिनके अंदर डिपेंडेंसीज ना हो, वो प्रोग्राम जल्दी दौड़ेगा। इस युग में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI। इसका मतलब क्या समझ लीजिए, अगर आपको 2 इंच पे कोई सर्क्यूट बैठता था पहला, तो इसमें आप सोच सकते हैं कि आधा सेंटीमीटर से कम में भी वही सर्क्यूट आपका फिट हो जाता। इस युग का और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स है हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क आने लगे, हाई कैपेसिटी मेमरीज आने लगे। जब हम इंजीनियरिंग पहले में सीख रहा था तब आप बिलीव नहीं करोगे हमारा मेन मेमोरी का कैपेसिटी था 640 किलो बाइट्स, और हमारे पास था फ्लॉपी डिस्क जिससे हम इनपुट आउटपुट यानी जो हार्ड डिस्क का काम करता है फ्लॉपी डिस्क से करते थे। इस युग का इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि हम कंप्यूटर को AI में यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर्स मतलब जैसे मैंने बताया एक काम को एक ही कंप्यूटर नहीं करेगा, हजारों लाखों कंप्यूटर उस काम को तोड़ के जल्दी कर सकते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन हो सकता है या परिवारन का मैसेज बताना हो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक कैलकुलेशन जो होते हैं जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में, वो एक या दो कंप्यूटर नहीं कर सकते। अगर उस वर्क को हमने हजारों लाखों कंप्यूटर में डिवाइड कर दिया, जो काम समझ लीजिए 4-5 दिन लगेगा आपको 1 या 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। पैरेलल कंप्यूटर्स मतलब एक साथ या एक समय बहुत सारे कंप्यूटर्स उसी काम पे लगे रहे, उस प्रोजेक्ट को तोड़ के काम करना। तो अब इस युग को तो आप काफ़ी जानते हो, इस युग में डेटा सेंटर्स आ गए, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, और असली इन्फॉर्मेशन एज सोच सकते हो इसी युग में स्टार्ट हो गया। और इस युग का विशेषता ये है कि हमने लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काफ़ी ध्यान देने लगे, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है, ह्यूमन टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ये दिखते तो बहुत आसान है लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स है, और इनके मशीन पावरफुल होने की वजह से ही हम वो काम कर पाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल चाहिए अगर फिफ्थ जनरेशन का, IBM
ब्लू जीन पी सुपर कंप्यूटर। तो ये मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर है, बहुत ही बड़ा है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो इसका पावर कितना है। तो ये इस ये एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर है और एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चाहे आप इस पे कर सकते हैं। इन पे एक सीपीयू नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ सीपीयू भी हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस हो सकते हैं, मेमोरी हो सकते हैं 1 TB, 2 TB मेन मेमोरी हो सकता है। तो ये था IBM जीन पी सुपर कंप्यूटर। तो इस वीडियो का मैं समरी करूँ तो आप इन दो वीडियो में ये सीख लिया कि कंप्यूटर जैसे समय बीतते गया फास्टर होने लगे, एफिशिएंट होने लगे, रिलायबल होने लगे, सस्ते होने लगे, कंपनी से घर में आने लगे, ठीक है, और जो इनिशियली एक या दो काम के यूज़ होते थे बहुत सारे काम में यूज़ होने लगे, लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज तक आ गए, ठीक है, अभी नेचुरल लैंग्वेज तक पहुंच गए हम। तो इस तरह के डेवलपमेंट होने लगे जैसे कंप्यूटर चेंजेस होने लगे। तो बेसिकली मैसेज ये है कि जैसे हार्डवेयर में इम्प्रूवमेंट्स होने लगे उसी समय सॉफ्टवेयर का भी इम्प्रूवमेंट्स होते चलता गया, क्योंकि हार्डवेयर पहला इनिशियली लिमिटेशन था कुछ करने के लिए, लेकिन हार्डवेयर का कैपेसिटी आजकल इतना बढ़िया है, अब आप सॉफ्टवेयर में ही जो करना चाहते हो आप सोच सकते हो, सोचते हो वो बिल्कुल आप कर सकते हो।